गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 10 और आज सुबह हम लोग 5 बजे निकले हैं पोखरा से और आ गए हैं हम लोग मनकामना देवी। सुबह वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि बारिश हो रही थी पोखरा में बहुत तेज़ और हम लोग ऑलमोस्ट भीग ही गए थे बस स्टॉप पे पहुँचते तक। और अब आ गए हैं हम लोग मनकामना देवी और मनोकामना देवी पोखरा से आने में हमें लग गए 2 से 2.5 घंटे। और अभी होटल में पहुंच गए थे हम लोग सुबह, थोड़ा सा फ्रेश हो गए और अब निकले हैं घूमने के लिए। केबल कार से 3 किलोमीटर दूर है और 5 पहाड़ क्रॉस करने के बाद मनोकामना देवी का मंदिर आएगा और यहाँ से हमें जाना है केबल कार से। तो अभी उतरने में इतनी हालत ख़राब हो रही है, वापस आने के बाद चढ़ने में कित कैसा फील होगा। तो अब चलते हैं, टिकट तो हमने ले लिया है होटल से ही ले लिया था और अब शायद उन्होंने यही पहना था। हाँ, इनका शुभ मन करते हैं। हम 2 दिन यहाँ रहेंगे। अमन जाने वाले के रोड पे आ जाएगा ना? हाँ, तो आ रहा है, जा रहा है। 5 बजे तक हमें वापस आना है ना? हाँ। आ जाएंगे 5 बजे तक हमें। बहुत बढ़िया, नीचे तो देखो ना पहले तुम। डरने वाली क्या बात, इतना है अब मजा आएगा, हमको इसमें नहीं डर लगता। बंद है ना अभी? तो अभी हम तुमको तुम्हारा अभी हम मतलब भैया को तुम्हारी वो स्टोरी बताते तो तुम कितना डरते। कल वो छोटे वाले बोट में ये बहुत डरा था, दोनों बोट ऐसे। दूर है थोड़ा, मतलब काफी दूर में लेके आ ना प्रिया, काफी दूरी में लेके आ रहा है। देखो यहाँ पे लोग घर पे रहते हैं, ऊपर कैसे रहते हैं यार? रहते होंगे ना? नहीं रहते, उन लोगों का कोई जीवन शैली है, एकदम नीचे जा रहा है। सोचो उन लोगों को ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अरे अभी और ऊपर जाना है, इसीलिए इतने छोटे छोटे दिख रहे थे ना ये लोग। नहीं बस उधर तक दिख रहा है। मौसम अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी इसके नीचे भी जाना है क्या?
अरे वाह, हो गया ना, नेक्स्ट कभी आएंगे या, क्योंकि लग फास्ट